हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि होम एंड लोन लिंकर्स लेकर आया है 3 BHK का फ्लैट जो कि 120 गज में बना हुआ है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ऑन रोड से ये सिर्फ 5वीं बिल्डिंग है, 10 कदम की दूरी पर आपका ये फ्लैट रहने वाला है। अगर मैं इसके फ्रंट रोड की बात करूँ तो 40 फीट वाइड रोड आपको यहाँ पर मिल जाती है। 40 फीट की वाइड रोड पर इंडिपेंडेंट 3 BHK का फ्लैट जो कि 120 गज में बना हुआ है, आप यकीन मानिए ये बहुत ही स्पेशियस रहने वाला है। मैं इस फ्लैट की वीडियो फ्लैट कंप्लीट होने के बाद लेके आता, पर फ्रेंड्स इसके 3 यूनिट ऑलरेडी ही बुक हो चुके हैं और इसमें सिर्फ अपर ग्राउंड का ऑप्शन ही अवेलेबल है, इसीलिए मैं इसको अंडर कंस्ट्रक्शन में ही शूट करके आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि जो फैमिलीज ऐसा फ्लैट सर्च कर रहे हैं उनके हाथों से ये मौका बिल्कुल भी ना निकल जाए। ये हमारी बिल्डिंग एक LIC अप्रूव्ड है और लोनेबल प्रॉपर्टी है, हम आपको LIC से लोन करवा कर देंगे क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। अगर आपको किसी और प्रॉपर्टी के लिए होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर या कंस्ट्रक्शन लोन की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा फ्रंट का एलिवेशन जो कि डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के कलर कॉम्बिनेशन में हम आपको बनाकर दे रहे हैं। ये आ जाता है हमारा फ्रंट गेट जो कि स्टील का बना हुआ है। ये हमारी 40 फीट वाइड रोड रहने वाली है और सामने की तरफ आपको मेट्रो लाइन दिख जाएगी। पास में आपका मेट्रो स्टेशन भी होने वाला है, वो हमारा सिर्फ 150 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये मेट्रो लाइन हमारी सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पर। अब चलते हैं सीधा पार्किंग में। ये आ जाती है हमारी पार्किंग। पार्किंग में अभी बिल्डिंग का मटेरियल रखा हुआ है तो एक्चुअल में आपको इसका साइज पता नहीं लग पाएगा, बट आप अपने यहाँ पर व्हीकल को इजीली पार्क कर सकते हैं, ये काफी ही स्पेशियस रहने वाली है। सामने की तरफ आपको स्टेयर्स का एरिया मिल जाता है और इसी के फ्रंट में मिल जाता है लिफ्ट का एरिया। बिल्डिंग का काम 1.5 से 2 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा फ्लैट में। ये आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट बोथ साइड ओपन 3 BHK का फ्लैट जो कि 120 गज में बना हुआ है। अगर मैं लिविंग हॉल के साइज की बात करूं तो 21 फीट बाय 14 फीट का ये हमारा लिविंग हॉल रहेगा। आप यहाँ पर अपना L-टाइप, U-टाइप का सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं, 6 सीटर या फिर उससे बड़ा 8 सीटर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, तब भी आपका काफी स्पेस यहां पर बच जाता है। फ्लोरिंग में आपको एंटी स्क्रैच प्रूफ टाइल का वर्क भी मिल जाता है। फॉल्स सीलिंग काफी ब्यूटीफुल डिजाइन में हम आपको बनाकर दे रहे हैं, यहाँ पर आपको मूड लाइट और कॉप लाइट का वर्क मिल जाएगा। वॉल पर हम आपको वॉलपेपर भी लगा कर देंगे। जहाँ पर आप अपना सोफा इंस्टॉल करेंगे उसी के फ्रंट में मिलता है टीवी पैनल, यहाँ पर आप अपना 55 इंचेस का टीवी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैबिनेट्स और ड्रॉर्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। तो चलते हैं हमारे सीधा किचन की तरफ। किचन हमने पूरी सेपरेट तरीके से डिजाइन की है। अगर मैं इसके साइज की बात करूँ तो 12 फीट बाय 8 फीट की ये हमारी किचन रहने वाली है। ये पूरी मॉड्यूलर किचन है, यू शेप में बनाई गई है। स्लैब आपको यहाँ पर यू टाइप का मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पेंट्री भी बनाकर दे रहे हैं और आपको सामने की तरफ नॉइस प्रूफ सिंक मिल जाएगी जो कि डबल सिंक है। नीचे की तरफ आपको ड्रॉर्स और बकेट्स मिल जाएंगे, ऊपर की तरफ आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं सीधा फर्स्ट बेडरूम की ओर। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम एक मास्टर बेडरूम है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो 12 फीट बाय 10 फीट का ये हमारा बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पर आप अपना किंग साइज का बेड इंस्टॉल करेंगे तब भी काफी स्पेस आपका बच जाता है। ऊपर की तरफ आपको फॉल सीलिंग में डिजाइन बनाकर दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है और ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। लाइट ना होने के कारण आपको साइज नहीं पता चल पाएगा।
विंडो में हम आपको विंडो एसी का प्रोविजन भी दे रहे हैं ताकि आप अपना विंडो एसी लगा सकें। ये आ जाती है हमारी बैक बालकनी। बैक बालकनी काफी लॉन्ग रहने वाली है। हम आपको यहाँ पर एक टैब लगा कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने टॉप तक इसको रेलिंग से कवर किया है ताकि ये एक वॉशिंग एरिया बन सके। ये हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है, तब भी आपको यहाँ पर सनलाइट मिल रहा है। इस रूम में आपको वार्डरोब भी बनाकर दे रहे हैं जो कि टॉप तक बनी हुई है। आप यहाँ पर अपना सामान इजीली रख सकते हैं। स्टोरेज की कमी आपको फर्स्ट बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि इस फ्लैट में सिर्फ अपर ग्राउंड जो आप देख रहे हैं यही फ्लैट अवेलेबल है, बाकी के ऊपर के 3 फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं इसी कंडीशन में। और ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी टॉप तक टाइल का वर्क मिल जाएगा, जितनी सैनिटरी लगेंगी सब प्रीमियम क्वालिटी की लगेंगी। और ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का भी साइज 12 फीट बाय 10 फीट का रहने वाला है। किंग साइज का बेड इंस्टॉल करेंगे तब भी बेड के लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड में काफी स्पेस बच जाएगा। वॉल पर हम आपको वॉलपेपर लगा कर देंगे। प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है। वॉल सीलिंग भी हम आपको डिजाइन बनाकर दे रहे हैं। अभी फ्रेंड्स एक भी लाइट इसमें नहीं लगी हुई है, तब भी इसमें प्रॉपर तरीके से सनलाइट आ रहा है। ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। इसका साइज भी सेम 12 फीट बाय 10 फीट का रहने वाला है। फ्लोरिंग में आपको एंटी स्किड प्रूफ टाइल का वर्क मिल जाएगा और इस रूम में आपको वार्डरोब भी मिल जाती है जो कि टॉप तक बनी हुई है। वॉल सीलिंग भी आपको डिजाइन वाली बनाकर दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है विंडो। और ये आ जाती है हमारी फ्रंट की बालकनी। फ्रंट की बालकनी काफी ही लॉन्ग रहने वाली है। बालकनी की सीलिंग में हम आपको WPC का वर्क करके दे रहे हैं जो काफी ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर स्टील की रेलिंग बनाकर दे रहे हैं। आप वीडियो में ही देख सकते हैं ये काफी सॉलिड रहने वाली है। एक बार फ्रंट रोड यहीं से हमारा देख लीजिए जो कि 40 फीट वाइड रोड है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ विजिट होती है खत्म। आप अपने हाथों से ये मौका ना गंवाएं, जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। ये एक बेस्ट ऑप्शन है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। इसका प्राइस बहुत ही बेस्ट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और इस प्रॉपर्टी की विजिट बुक करें। जब आप इस फ्लैट को देखने आएंगे तो एक बारी में ही आपको ये फ्लैट पसंद आ जाएगा क्योंकि ये बना ही बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।